हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन और मोहर्स मेथड देखा, लेक्चर 2 में हमने वोल्हार्ड मेथड देखा और कंपेयर कराया मोहर्स और वोल्हार्ड को। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग ने बोला था कि हम लोग वोल्हार्ड में कुछ मॉडिफिकेशन हैं जो कि जरूरी है, तो एक नया पार्ट है, दैट इज मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड। तो वोल्हार्ड मेथड में वो कैसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड को लाया गया। तो इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है क्लोराइड की अगर इम्प्योरिटी है या हैलाइड सिल्ट में प्रेजेंट है एज अ इम्प्योरिटी। तो आप देख रहे हैं कि जो मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड होता है ये एक तरह का बैक टाइट्रेशन है। कैसे है? बैक टाइट्रेशन। जबकि वोल्हार्ड मेथड क्या था? वोल्हार्ड मेथड ये डायरेक्ट टाइट्रेशन था। वोल्हार्ड मेथड क्या है? डायरेक्ट टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशन, डायरेक्ट टाइट्रेशन में क्या होता है, बेसिकली फिक्स अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेते हैं, जो है आपका ब्यूरेट में हो या आपका कॉनिकल में हो, और डायरेक्टली वो रिएक्ट करता है। लेकिन बैक टाइट्रेशन में क्या करते हैं, हम लोग एक्सेस अमाउंट में कंपोनेंट को लेते हैं और उसको एक दूसरे रिएजेंट से रिएक्ट कर जाने देते हैं, क्योंकि वो इंप्योरिटी है, इंटरफेरेंस है, उससे रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट होने के बाद जो रेस्ट अमाउंट है उसको हम टाइट्रेट करते हैं दूसरे मेन रिएजेंट से, यानी कि पहले तो हमने इम्प्योरिटी से उसको बाइंड हो जाने दिया, उसको फिर सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद जो बचा अमाउंट है फिर हमने मेन कंपोनेंट से उसको रिएक्ट कराया। तो एक स्टेप हम पहले सब सपोज करिए आगे गए, फिर पीछे आए, और पीछे आने के बाद हम डायरेक्टली तीसरे से रिएक्शन कर रहे हैं। वो अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पहले तो हम देख लें क्या डिफरेंसेस हैं। तो बेसिकली सपोज करिए अगर यहाँ क्लोराइड की इम्प्योरिटी है, आपने एक फिक्स अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट लिया, और वैसे भी ये आपका प्राइमरी है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन नोन है, वॉल्यूम भी नोन है, वॉल्यूम भी फिक्स है। आपने 10 ml सिल्वर नाइट्रेट यूज किया, तो क्या करेगा ये जो क्लोराइड है ये सिल्वर से बाइंड कर जाएगा, यानी कुछ पार्ट इसका सिल्वर से बाइंड कर गया। तो 10 ml से कुछ आपका अमाउंट आपका सिल्वर क्लोराइड से बाइंड कर गया, तो आप कुछ ही अमाउंट बचा। सपोज करिए अगर 50% क्लोराइड से बाइंड कर गया है तो 50% ही अवेलेबल होगा थायोसाइनेट से रिएक्ट करने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या किया जाए, तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट हम लोग एक्सेस में ले लेते हैं। एक्सेस में लेने से क्या होगा कि ये क्लोराइड से बना लेगा प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और वो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, सपोज ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ये कंबाइन किया क्लोराइड से, तो क्या बना लेगा? AgCl। अब यहाँ पे क्या बन गया है? AgCl। ये AgCl इंटरफेरेंस कॉज करेगा, ये आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि AgCl जब पोटेशियम थायोसाइनेट से, यानी जो थायोसाइनेट यहाँ पे है इससे जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, Ag और थायोसाइनेट, सिल्वर थायोसाइनेट, और यही सिल्वर थायोसाइनेट जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो भी यही बनेगा, यानी कि ये जो सिल्वर थायोसाइनेट बन रहा है ये तो फॉल्स रीडिंग है, क्योंकि ये क्लोराइड से इंटरफेयर होके आ रहा है, तो ये यहाँ पे एरर कॉज करेगा। तो हमें करना क्या है कि ये AgCl बन जाने दें, उसके बाद इसको फिल्टर कर लीजिए, फिल्टर पेपर लगा के AgCl प्रेसिपिटेट को बाहर कर लीजिए, पहला मेथड, ठीक है, जो कि सिंपल मेथड है। या आपको इसको डिस्टर्ब नहीं करना है तो आप इसके अंदर एक एक कंपाउंड, एक सॉल्वेंट ऐड कर दीजिए जिसे बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन जाएगा तो यहां जहां जहां AgCl है, यानी इस AgCl के ऊपर क्या कर लेगा, कोटिंग कर देगा, कोटिंग, ऑर्गेनिक लेयर की कोटिंग हो जाएगी। ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऊपर ऑर्गेनिक क्या हो गया, कोटिंग होगी। तो AgCl इस नाइट्रोबेंजीन के अंदर क्या हो गया, फंस के रह गया। तो अब जब रिएक्शन इसकी और इसकी होगी तो ये रिएक्शन वहां पे इंटरफेयर नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे आपने AgCl बन जाने के बाद इसको क्या कर दिया, आपने कोट कर दिया, जिससे बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन डाल के आपने इसके ऊपर क्या कर दी, कोटिंग कर दी या एक ऑर्गेनिक लेयर बना दी, अब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जस्ट इतना ही मेथड है कि जस्ट आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन किसका कराना है, नाइट्रोबेंजीन का, कि वो AgCl के इंटरफेरेंस को क्या कर दे, रोक दे, बाकी मेथड वही है। फिर आप देखिए वोल्हार्ड में हमने पढ़ाई है कि रेस्ट अमाउंट जो होगा वो KSCl थायोसाइनेट से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये AgSCl, यानी ये व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर थायोसाइनेट, ये बन जाएगा। फिर एंड पॉइंट पे आपका जब सिल्वर खत्म हो जाएगा तो ये एलम, ये फेरिक एलम से रिएक्ट करेगा, यानी फेरिक इंडिकेटर से रिएक्ट करेगा, एंड इट विल फॉर्म फेरिक थायोसाइनेट, दिस विल फॉर्म फेरिक थायोसाइनेट, और ये कलर कैसा होगा, रेड ब्राउन, और जैसे ही रेड ब्राउन होगा आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ, ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया। रेस्ट तो वैसा ही है,
यानी जो बेसिकली आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि जो क्लोराइड की इम्प्योरिटी होती है वोल्हार्ड मेथड में, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेस में हम यूज कर लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट और AgCl को बन जाने देते हैं। जब AgCl बन जाता है तो या तो आप उसको फिल्टर कर लीजिए या नाइट्रोबेंजीन उसमें ऐड कर दीजिए। तो नाइट्रोबेंजीन क्या करेगा, एक कोटिंग प्रोवाइड करा देगा, उसके ऊपर एक लेयरिंग कर देगा जिससे उसकी इंटरफेरेंस नहीं होगी। आइए इसको हम थोड़ा सा चार्ट फॉर्म में या फ्लो डायग्राम फॉर्म में देखें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सपोज करिए कि पोटेशियम थायोसाइनेट KHCl आके बाइंड करना चाह रहा है किससे, आपका जो बेसिक आपका बॉन्ड सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। लेकिन यहां पे आपका जो इंप्योरिटी है वो क्या है, क्लोराइड की क्या है, इंप्योरिटी है। तो AgNO3 क्लोराइड से बाइंड करके क्या बना देगा, AgCl, यानी कि ये आप देखेंगे तो यहां पे एक कंटेंट और बनेगा, दैट इज AgCl, ठीक है। तो आपको ऐड क्या करना होगा, नाइट्रोबेंजीन, क्या ऐड करना होगा, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन क्या करेगा कि इसके ऊपर क्या कर देगा, एक लेयरिंग कर देगा, कोटिंग कर देगा, यानी क्लोराइड अब इसके साथ Ag के साथ पास हो गया, लेयरिंग या लेयरिंग की वजह से उसको बोल सकते हैं कोटिंग, इसका कोटिंग कर दिया, ठीक है। तो ये क्लोराइड क्या हो गया, सिल्वर के साथ फिक्स हो गया। अब जो बचा वो क्या रहा, अब जो आपका KSC यानी किससे रिएक्ट करेगा, सीधे सिल्वर नाइट्रेट से, और क्या बना लेगा, AgHCl, यानी कि सिल्वर थायोसाइनेट, और ये सिल्वर थायोसाइनेट आपका डायरेक्टली क्या बनने लगेगा, बनने लगेगा। और एंड पॉइंट पे क्या होगा कि ये जब सिल्वर आयन आपका खत्म होने लगेगा तो जो एक्स्ट्रा थायोसाइनेट है Cl-1, यानी एंड पॉइंट के बाद ये रिएक्ट करेगा फेरिक इंडिकेटर से, इट विल फॉर्म फेरिक थायोसाइनेट FSCl-2-. तो ये कैसा होगा, ये रेड ब्राउन कलर होगा, विच शोज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वोल्हार्ड मेथड और मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड में क्या डिफरेंस है। वोल्हार्ड मेथड एज सच बिल्कुल सेम है, जस्ट हम नाइट्रोबेंजीन ऐड कर रहे हैं क्लोराइड का जो इफेक्ट है उसको मास्क करने के लिए कि वो रिएक्शन में इंटरफेयर ना कर पाए। तो इतना ही था मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड पे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फजाल्स मेथड देखेंगे। थैंक यू।